अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं मेहंदी पर और अम्मी रेडी हो गई हैं और साथ में ही मेरी बहन भी आने वाली हैं, तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हम सब ही रेडी हो गए हैं। अच्छा जी, हम दूल्हे वालों की साइड से हैं, तो पहले हम दूल्हे वालों के घर जाएंगे और बहन के बच्चे आ गए हैं। अच्छा जी, बच्चियों ने आज जो है लहंगे पहने हुए हैं और मेहंदी के हिसाब से तैयार हुए हैं। कहाँ जा रहे हो? अच्छा जी, बहन मेरी भी रेडी होकर आई थी, तो बस अब हमने सबने इकट्ठे ही जाना है और सबसे पहले हम जाएंगे दूल्हे वालों के घर। और जी, बच्चियाँ तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और खुश हो रही थी। उन्होंने आज लहंगे पहने थे तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। और वैसे भी मेहंदी जो है ऐसा फंक्शन है जहाँ पे बच्चियाँ खुश होती। फाइनली हम जो है दूल्हे वालों के घर पहुँच गए थे। अब मैं आपको उनका घर दिखा रही हूँ और जितना मुमकिन हो सका है मैंने दिखाया है। और ये दूल्हे वालों ने नया घर बनवाया है और फिर शादी जो है उन्होंने रखी है घर में। जैसे ही नया घर बना है, पहले उन्होंने मिलाद किया था और मिलाद पे भी हम सभी गए थे। तो जी, ये देखें, ये आपको फर्स्ट रूम दिखा रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने मेहंदी की प्लेटें रखी हुई थी और मेहंदी की अरेंजमेंट कर रहे थे, वो प्लेटें बना रहे थे क्योंकि हम जल्दी ही पहुँच गए थे, जल्दी चले गए थे। और जल्दी जाने का यही फ़ायदा होता है कि ज़्यादा इंजॉयमेंट करते हैं अगर जल्दी पहुँच जाएँ तो। और अभी जो है दूल्हे वालों के घर सब उसकी दूल्हे की बहनें जो हैं वो रेडी हो रही थी। जी, जो फ्रंट में रूम दिखाया था वो इनका ड्राइंग रूम है और अभी इन्होंने घर को मुकम्मल सेट नहीं किया, ऐसा ऐसा करेंगे। और जी, ये इंटर होते ही लिविंग रूम है और साथ में ही ये ओपन किचन है। फ्रंट में दो रूम हैं और उसके साथ ही फिर मैं अभी आपको दिखाऊँगी ये दूल्हे का कमरा। ये सारा आपको दिखा रही हूँ, ये लिविंग रूम है। वैसे भी जब से दूल्हे वाले नए घर में शिफ्ट हुए हैं तब से मैंने ये घर नहीं देखा हुआ था, तो आज मेहंदी पे गए हैं तो इस बहाने से जो है घर भी देख लिया है। और सब जो भी जल्दी पहुँच गए थे वो लिविंग रूम में बैठकर इंतज़ार कर रहे थे। और जी, ये दूल्हे का कमरा है और फर्नीचर दुल्हन वालों ने भेज दिया था। और साथ में मैं अपनी भी जो है आपको दिखा रही हूँ लुक। और जी, उस दिन मैंने जो है अपनी जहेज़ का सूट पहना था और फर्नीचर जो है वो आया हुआ था लेकिन अभी मुकम्मल उन्होंने सेट करके नहीं रखा हुआ था। और बच्चियां जाते साथ ही दूल्हा का जो कमरा है उसमें घुस गई थी क्योंकि ये खाली पड़ा हुआ था और अपने बाल बना रही थी। अच्छा जी, जो घर है बहुत ही अच्छा बना हुआ था और नया घर है तो सभी बहुत ही खुश थे नए घर में शिफ्ट हुए हैं। और जो मैं आपको अभी दूल्हे का दुपट्टा दिखा रही हूँ, ये दूल्हे की अम्मी ने बनाया है ये दुपट्टा। और दूल्हे की अम्मी ने बहुत ही मेहनत की है, अपने हाथों से बनाया है। ये किनारी का काम हुआ हुआ है और बीच में ये सारे नोट जो हैं वो टांके हुए हैं। ये देखें, ये सारे 100 और ये 50-50 वाले रुपीस जो होते हैं ये सारे बीच में टांके हुए हैं और बहुत ही मेहनत की हुई है। तो यही दुपट्टा भी जो है दूल्हे को पहनाएँगे, उड़ाएँगे। और ये दूल्हे की अम्मी ने वाकई बहुत मेहनत की है और सभी बहुत गौर से देख रहे थे कि इतनी मेहनत की है दूल्हे की अम्मी ने। और ये दुपट्टा बहुत ही प्यारा लग रहा था। अच्छा जी, और जो मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं तो ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी और इनकी जो है आपको एंड में दिखाऊंगी कि ये मैंने कपड़े जो अपने ये जहेज़ का सूट पहना हुआ है और ये अभी तक मेरा जो है वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ है। और जी, दूल्हे वालों ने गाने बजाने वाले जो होते हैं, जो पहले ज़माने में ऐसे ही होता था। अच्छा जी, जब हमारी अम्मियों का दौर था तो उस वक्त ये गाने बजाने वाली आती थी और डांस भी करती थी, गाना भी बजाती थी क्योंकि उस वक्त नेट नहीं था तो कोई तफरी नहीं थी। तो ये तफरी थी कि गाने बजाने वालों को बुलाया जाता था और वो डांस भी करते थे।
अच्छा जी, उसके साथ ही फिर दूल्हे को भी लेकर आ गए थे और फिर दुआ कराई गई थी। और जी, इन्होंने जो है दूल्हे को वो जो क्या कहते हैं गाना सा वो भी बंधवाया था। हमारे में तो अब ये रिवाज नहीं है, लेकिन अभी भी जो है ये रिवाज बाकी हैं। अच्छा जी, फाइनली फिर हम पहुंच गए थे मेहंदी लेकर, और ये हम आए थे गांव में। ये जो है सफ़र जो हमने किया था मुल्तान से ज़रा आगे है, थोड़ा सा डिस्टेंस है, और फिर हम ये गांव में ही अरेंजमेंट किया हुआ था, क्योंकि जो दुल्हन वाले हैं वो गांव में रहते हैं। और ये जो इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था गांव में रहकर, ये तो बहुत ही अच्छा किया हुआ था अरेंजमेंट, और गांव के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था। बस ये फाइनली जो है हम पहुँचे, तो फिर दुल्हन वाले जो हैं वो भी मेहंदी लेकर आए, दूल्हे वाले भी मेहंदी लेकर आए। और जी, ये आपको दिखा रही हूँ, ये वही गाने बजाने वाली हैं। दूल्हे वाले अपने साथ लेकर आए थे और वो डांस कर रही थी यहाँ। अच्छा जी, जो गांव में शादियाँ होती हैं उनका एक अलग ही मज़ा है, और बहुत ही हमने एंजॉय किया था। और रात देर तक हम घर आए थे, और अगले दिन बारात भी गांव में आनी थी, तो हम बारात पर तो नहीं गए थे, सिर्फ मेहंदी और वलीमे पर गए थे। और वलीमा जो है वो मुल्तान में ही होना था, क्योंकि दूल्हे वाले मुल्तान से हैं। तो खूब इंजॉय किया हम सब ने इस शादी पर, और वैसे भी लग भी नहीं रहा था कि हम गांव आए हुए हैं, ऐसा लग रहा था कि ये शहर में ही शादी हो रही है। अच्छा जी, मज़े की बात है कि यहाँ पे गोलगप्पे भी थे मेहंदी में, और खाना तो सबने कम ही खाया था, गोलगप्पे ज़्यादा खाए थे, और गोलगप्पे खूब इंजॉय किए थे, और बच्चों ने तो बहुत ही खूब दिल भर कर गोलगप्पे खाए थे। अच्छा जी, अब जो लड़के वाले हैं वो मेहंदी लेकर आए हैं अंदर, और मेहंदी जो है इन्होंने बहुत ही अच्छी सजाई हुई थी। और उसके बाद फिर सब बच्चियों ने जो है स्टिक पे डांस किया था, डांडिया भी खेली थी, और सब ने ही बहुत इन्जॉय किया। और जी, फाइनली जो है उसके बाद थोड़ी देर बाद ही फिर ये दुल्हन को भी लेकर आ गए थे, और खाना भी लगा दिया था साथ में, लेकिन मैं आपको वो नहीं दिखा सकूंगी क्योंकि मेरा जो है मोबाइल ऑफ हो गया था, क्योंकि मेरी जो चार्जिंग है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं सारी ही क्लिप्स बनाऊँ, खाने के भी बनाऊँ, और इन्होंने जो गोलगप्पे का स्टॉल लगाया हुआ था उसका भी बनाऊँ, लेकिन मैं नहीं बना सकी। लेकिन जितनी भी मुमकिन था मैंने कोशिश की है कि मैं बनाऊँ। बस ये दूल्हे की बहनें जो हैं वो मेहंदी लेकर आई हुई थी, डांडिया खेलने के बाद उन्होंने फिर दुल्हन को मेहंदी लगाई थी, और जो है दुल्हन और दूल्हे को इकट्ठा ही लेकर आए थे ये। और जी, ये गोलगप्पे मैं दिखा रही हूँ जो हम खा रहे थे, गोलगप्पे बहुत ही मज़ेदार थे, और सब ने ही दो तीन तीन दफ़ा प्लेटें बनवा कर खाई थी गोलगप्पों की। जैसे कहो हम तो गोलगप्पे ही खाने गए थे, हमने खाना कम खाया था और गोलगप्पे जो हैं वो ज़्यादा खाए थे। अच्छा जी, अब दूल्हा और दुल्हन को लेकर आ रहे हैं, और जी बस जी, अब इनको मेहंदी लगाई जाएगी, और बहुत ही अच्छी लग रही थी दुल्हन। बस जी, यही क्लिप बना सकी थी, खाने की भी नहीं बनाई मैंने क्योंकि मेरी जो पावर है वो ऑफ हो गई थी मोबाइल की। अच्छा जी, ये मैं एंड में दिखा रही हूँ अपने कपड़े जो मैंने पहने थे, और जी ये सारा मुकेश का काम हुआ हुआ है, और ये देखें कलर भी वैसे के वैसा पड़ा हुआ है, फेड नहीं हुआ। तो इतने साल हो गए हैं मेरी शादी को, और ये देखें कलर कैसे अच्छा पड़ा हुआ है मेरे सूट का, और ये सारा ही मुकेश का काम है। ये फ्रंट साइड है, और ये सारे जो है कलियाँ बनी हुई हैं उसके ऊपर काम हुआ हुआ है, ये सारा मुकेश का। और इसकी जो है बैक साइड पे भी ऐसे काम हुआ हुआ है जैसे दुपट्टे पे हुआ हुआ है, और ये इसके साथ ही प्लेन शलवार है, और जो शलवार है वो बिल्कुल ही प्लेन है। बिल्कुल प्लेन शलवार दी हुई है इसके साथ। वैसे मैंने इसके साथ ट्राउज़र भी बनाया था सिल्वर कलर का, जब फैशन होता है। बस ये इसके साथ ही मैं चाहती हूँ इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।